So in this video we are going to do an honest review of one of the most popular creatine brands out there, which is none other than Fast Enough Creatine. Here हमने इस क्रिएटिन को 1 month तक यूज किया है. सो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि 1 month के टाइम स्पेन में इस क्रिएटिन ने मेरी फिजिक के अंदर क्या क्या चेंजेस किए, माने मेरी मसल कैसे हैं, मेरे बॉडी में स्ट्रक्चर इसने कितना लेके आया, मेरे जो डेल्टॉइड्स हुए, चेस्ट हुई, बाइसेप्स हुई, इनके अंदर इसने कितना पंप लेके आया है, मेरे वर्कआउट रूटीन के अंदर जो बूस्ट आना चाहिए वो आया कि नहीं आया, सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा डिटेल में. साथ ही साथ हमने इस क्रिएटिन के लैब टेस्ट करवाए थे. सो हम लोग कंपेयर करके देखेंगे हमें लैब टेस्ट रिपोर्ट के अंदर जो जो बातें प्रूव हुई है वो सारी बातें इनकी पैकिंग से मैच करती है या नहीं करती है, या फिर ये भी हमें बेवकूफ बना रहा है. और हम करेंगे बजट एनालिसिस. अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी ₹500 से ₹1000 तक, तब इस फास्ट एनफ क्रिएटिन वर्थ योर मनी? क्या आपको इसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए? हियर जो भी लोग फर्स्ट टाइम क्रिएटिन यूज करते हैं उनको ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन किसी भी कारण से या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया कि लोडिंग साइकिल फॉलो कर ले, तो वो चीज नहीं करना. बिकॉज होता क्या है, जब लोग लोडिंग पीरियड में रहते हैं, लोडिंग साइकिल फॉलो करते हैं, तो जो रिकमेंडेड डोज है बाय द डॉक्टर्स विच इज ऑफ 3 grams ऑफ क्रिएटिन पर डे, उससे ज्यादा लेते हैं, विच इज अप टू 5 to 6 grams ऑफ क्रिएटिन पर डे फॉर 1 week. उससे क्या होता है, हमारी बॉडी फटाफट से बल्कअप हो जाती है, बट वो हमारे को हार्म करता है. एज हमारी बॉडी में नेचुरली क्रिएटिन प्रोडक्शन होता रहता है, बट जब लोग लोडिंग फेज फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोडक्शन है वो ठप हो जाता है, वो बंद हो जाता है हमेशा के लिए. सो नेवर फॉलो लोडिंग फेज, ऑलवेज टेक अप टू 3 to 4 grams ऑफ क्रिएटिन पर डे, नॉट मोर देन दैट. अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. इन केस आप फास्ट एनफ क्रिएटिन को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की. मैंने यहाँ पे फास्ट एनफ क्रिएटिन की 250 ग्राम से 250 ग्राम की पैकिंग मंगाई है, जिसे मैं 1 month तक ट्राई करके आपके साथ शेयर करूंगा कि इसने मेरे फिजिक के ऊपर क्या क्या इफेक्ट किए, जिससे कि आप फ्यूचर में अच्छे से डिसाइड कर सके कि आपको उसको लेना है या नहीं लेना है. Here comes the first matrix of this review, which is number of scoops per pack. यानी इस fast enough creatine की एक packing में हमें कितने scoop of creatine powder देखने मिल जाएगा. Here इसके 250 ग्राम की packing के अंदर हमें 83 scoops of creatine powder देखने मिलता है, which is justifiable. काफी बढ़िया quantity मिल रही है. Our next matrix is scoop size. यानी हमें जो scoop मिला है वो कितने ग्राम का है. Here fast enough के अंदर हमें 3 grams का scoop size देखने मिल जाता है, which is recommended by the doctors and top athletes. So काफी बढ़िया बात है. Our next matrix is scoop per serving. यानी एक बार का creatine shake बनाने में हमें कितने scoop of creatine powder use करना है. Here fast enough के एक बार की serving के अंदर हमें single scoop of creatine powder ही use करना है. Our next matrix is serving in gram. यानी जो हम लोग creatine लेंगे वो एक बार में कितना लेना है, कितने ग्राम लेना है. Here fast enough की packing पे mention किया है कि हमें 3 grams ही लेना है, क्योंकि ये हमारे health को compromise नहीं करती. जितने भी डॉक्टर्स और टॉप एथलीट्स आप जब भी बात करोगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि क्रिएटिन हमें पर डे एक्सटर्नली 3 to 4 grams ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए. अदरवाइज हमारे बॉडी में जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन है वो हैम्पर हो जाता है, और उसका हैम्पर होना या उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन होना काफ़ी बुरी बात होती है हमारी लॉन्ग टर्म फिजिक के लिए. सो ऑलवेज टेक 3 or maximum 4 to 4.5 grams ऑफ क्रिएटिन पर डे, नॉट मोर देन दैट. Here comes one of the most prime metrics of this review, which is creatine percentage. यानी ये जो creatine है हमारे पास है ये कितने percent pure है, 100%, 80%, कितने percent? Here fast enough की packing पे लिखा हुआ है कि they are 100% creatine, इसके अंदर कोई और foreign substance नहीं है. But हमारे lab test के अंदर ये बात 100% true पाई गई है, as इसके अंदर हमें कोई foreign chemical या foreign substances added नहीं मिले हैं, ना कोई spiking देखने मिली है. So it is 100% safe to consume. Our next matrix is GMO free. So, हम ये देखते हैं कि कहीं ये क्रिएटिन जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, अदरवाइज हमारी बॉडी इसको 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. हियर फास्ट एनफ क्रिएटिन की पैकिंग पे लिखा हुआ है कि दे आर GMO free, और हमारे लैब टेस्ट के अंदर भी ये बात 100% ट्रू पाई गई है, इसके अंदर कोई फॉरेन केमिकल या फिर ऑल्ट्रेशन देखने नहीं मिला है. Our next matrix is gluten free. So, as हमारे प्रीवियस मैट्रिक्स के अंदर पता चल गया है कि ये 100% क्रिएटिन प्योर है, सो इसके अंदर हमें कोई फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक ग्लूटेन आदि देखने नहीं मिले हैं, सो इट इज सेफ टू कंज्यूम. नाउ हियर कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर हेल्थ, विच इज बैन सब्सटेंसेस फ्री. कहीं इस क्रिएटिन के अंदर कोई परफॉर्मेंस एनहांसर्स या फिर एब्जॉर्बमेंट तो नहीं मिला दिया गया ना इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं.
Here, Fast Enough की पैकिंग और वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि they are banned substances free and they follow all the rules and regulations. और ये चीज हमारे लैब टेस्ट के अंदर भी प्रूव हो चुकी है. Our next matrix is heavy metals free. कहीं इस क्रिएटिन के अंदर लेड और आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल्स तो नहीं है ना जो हमारी सेहत खराब कर सकते हैं. Here, इनकी पैकिंग के ऊपर तो मुझे कोई हैवी मेटल्स की स्पेसिफिकेशन नहीं दिखी, बट हमारे लैब टेस्ट के अंदर ये पता चला है कि इसमें कोई भी हैवी मेटल्स नहीं है, सो यू कैन कंज्यूम इट सेफली. सो लेट सिक्योर आवर मॉनिटरी बेनिफिट्स, यानी हम करते हैं कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन, मतलब एक स्कूप ऑफ फास्ट एनफ क्रिएटिन खाने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं. एंड फॉर दिस नोबल कॉज हमने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस ऑफ द क्रिएटिन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर. अभी करेंटली फास्ट एनफ क्रिएटिन की प्राइस चल रही है रुपीज 1099 only. Our second variable is number of scoops per pack. अभी currently fast enough की packing के अंदर हमें 83 scoops of creatine powder देखने मिल जाता है. Therefore, हमारा cost per scoop आ जाता है in the case of fast enough creatine rupees 13 only. In case आप फास्ट एनफ क्रिएटिन को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. अब करते हैं हमारा बजट एनालिसिस, यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी रुपीज 500 से लेकर 1000 तक, या फिर आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी रुपीज 1000 एंड प्लस, तब क्या फास्ट एनफ क्रिएटिन इज वर्थ योर मनी? हियर फास्ट एनफ क्रिएटिन का कॉस्ट पर स्कूप आया रुपीज 13 ओनली, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. और हाँ, फास्ट एनफ की जो क्वालिटी उन्होंने प्रोवाइड कराई अपने क्रिएटिन की, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है फॉर योर हेल्थ, एज इसका स्कूप साइज भी हमें 3 grams का दिखने मिल जाता है. और जितने भी डॉक्टर्स एंड टॉप एथलीट्स है वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि पर डे 3 to 4 grams से ज़्यादा क्रिएटिन हमें नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज हमारे बॉडी में जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है. सो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट क्रिएटिन आउट देयर. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट सजेस्ट करता है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग फास्ट एनफ क्रिएटिन फॉर 1 month. सो 1 month के टाइम स्पेंड के अंदर इसने मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर लेके आया है, एंड आई मीन इट, मैंने मेरे जो कर्व्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे डेल्टॉइड्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, बैक एंड चेस्ट हो गई, काफ़ी अच्छा उसके अंदर हमें डेवलपमेंट एंड वाटर रिटेंशन देखने मिला है. सो यू कैन गो फॉर इट. लेट मी शेयर विथ यू माई पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन, जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से लेता आ रहा हूँ. सो मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन है एज इट इज़ का क्रिएटिन. नाउ अगर आप एज इट इज़ के क्रिएटिन को भी ट्राई करना चाहते हो तो मैंने उसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. सो दिस वॉज टूडेज वीडियो. आपके स्क्रीन के ऊपर बेस्ट क्रिएटिन्स की कंपैरिजन की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस या सप्लीमेंट्स से रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. जय हिंद, वंदे मातरम.